ब्रह्मा जी ने कहा, मृत्यु ऐसा ही होगा। तुम्हारे आंसुओं की बूंदें, जिन्हें मैंने हाथ में ले लिया था, व्याधि बनाकर गतायु प्राणियों का नाश करेंगी। तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अतः डरो मत। तुम कामना और क्रोध का त्याग करके संपूर्ण जीवों के प्राणों का अपहरण करो। ऐसा करने से तुम्हें अक्षय धर्म की प्राप्ति होगी, जो मिथ्या के आवरण से ढके हुए हैं, उन जीवों को अधर्म ही मारेगा। असत्य से ही प्राणी अपने को पाप कर्म में डुबाते हैं। नारद जी कहते हैं, उस मृत्यु नाम धारिणी स्त्री ने ब्रह्मा जी के उपदेश से तथा विशेषतः उनके शाप के भय से बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। तब से वह काम और क्रोध को त्याग कर अनासक्त भाव से प्राणियों का अंतकाल उपस्थित होने पर उनके प्राणों को हर लेती है। यही प्राणियों की मृत्यु है, इसी से व्याधियों की उत्पत्ति हुई है। व्याधि कहते हैं रोग को, जिससे जीव रुग्ण हो जाता है। अंतकाल आने पर सभी प्राणियों की मृत्यु होती है, इसलिए राजन तुम व्यर्थ शोक न करो। मरण के पश्चात सभी प्राणी परलोक में जाते हैं और वहां से इंद्रियों तथा वृत्तियों के साथ ही यहां लौट आते हैं। देवता भी परलोक में अपने कर्म भोग पूर्ण करके फिर इस मर्त्य लोक में जन्म लेते हैं, इसलिए तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। वह वीरों को प्राप्त होने योग्य रमणीय लोकों में पहुंचकर वहां स्वर्गीय आनंद का उपभोग करता है। ब्रह्मा जी ने मृत्यु को प्रजा का संहार करने के लिए स्वयं ही उत्पन्न किया है, अतः वह समय आने पर सबका संहार करती ही है। यह जानकर धीर पुरुष मरे हुए प्राणियों के लिए शोक नहीं करते। यह सारी सृष्टि विधाता की बनाई हुई है, वे स्वेच्छा अनुसार इसका उपसंहार करते हैं। इसलिए तुम अपने मरे हुए पुत्र का शोक शीघ्र ही त्याग दो। व्यास जी कहते हैं, नारद जी की यह अर्थ भरी बात सुनकर राजा अकंपन ने उनसे कहा, भगवन, मेरा शोक दूर हुआ, अब मैं प्रसन्न हूँ। आपके मुख से यह इतिहास सुनकर मैं कृतार्थ हो गया। आपको प्रणाम है। राजा की ऐसी संतोषपूर्ण वाणी सुनकर देवऋषि नारद जी तुरंत नंदन वन को चले गए। राजा युधिष्ठिर इस उपाख्यान को सुनने सुनाने से पुण्य, यश, आयु, धन तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। महारथी अभिमन्यु युद्ध में धनुष, तलवार, गदा तथा शक्ति से प्रहार करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ है। वह चंद्रमा का निर्मल पुत्र था और पुनः चंद्रमा में ही लीन हुआ है। इसलिए तुम धैर्य धारण करो और प्रमाद त्याग कर भाइयों को साथ ले शीघ्र ही युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। व्यास जी के द्वारा सृंजय पुत्र मरुत, सुहोत्र, शिबि और राम के परलोक गमन का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, मुनिवर, प्राचीन काल के पुण्य आत्मा, सत्यवादी एवं गौरवशाली राज ऋषियों के कर्मों का वर्णन करते हुए पुनः अपने यथार्थ वचनों से मुझे सांत्वना दीजिए। व्यास जी बोले, पूर्व काल में एक शैब्य नामक राजा थे, उनके पुत्र का नाम था सृंजय। जब सृंजय राजा हुआ तो उसकी देवऋषि नारद और पर्वत दो ऋषियों से मित्रता हो गई। एक समय की बात है, वे दोनों ऋषि राजा सृंजय से मिलने के लिए उसके घर आए। राजा ने उनका विधिवत आतिथ्य सत्कार किया और वे भी बड़ी प्रसन्नता के साथ सुखपूर्वक वहां रहने लगे। सृंजय को पुत्र की अभिलाषा थी, उसने अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों की बड़ी सेवा की। वे ब्राह्मण वेद वेदांग के ज्ञाता एवं तप और स्वाध्याय में लगे रहने वाले थे। राजा की शुश्रूषा से प्रसन्न होकर उन ब्राह्मणों ने नारद जी से कहा, भगवन, आप राजा सृंजय को उनकी इच्छा के अनुसार पुत्र प्रदान करें। नारद जी ने तथास्तु कहकर सृंजय से कहा, राजऋषि, ब्राह्मण लोग आप पर प्रसन्न हैं और आपको पुत्र देना चाहते हैं,
अतः आपका कल्याण हो, आप जैसा पुत्र चाहते हो उसके लिए वर मांग लें। नारद जी के ऐसा कहने पर राजा ने हाथ छोड़कर कहा, भगवन, मैं ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो यशस्वी, तेजस्वी और शत्रुओं को दबाने वाला हो तथा जिसके मल, मूत्र, थूक और पसीने भी सुवर्णमय हो। राजा को ऐसा ही पुत्र हुआ, उसका नाम पड़ा सुवर्णष्ठीवी। उक्त वरदान से राजा के घर निरंतर धन बढ़ने लगा। उन्होंने अपने महल, चार दीवारी, किले, ब्राह्मणों के घर, पलंग, बिछौने, रथ और भोजन पात्र आदि सभी आवश्यक सामग्रियों को सोने का बनवा लिया। कुछ काल के पश्चात राजा के महल में लुटेरे घुसे और राजकुमार को बलपूर्वक पकड़कर जंगल में ले गए। सुवर्ण पाने का उपाय तो उन्हें ज्ञात नहीं था, इसलिए उन मूर्खों ने राजकुमार को मार डाला, फिर उसका शरीर फाड़कर देखा, किंतु कुछ भी धन नहीं मिला। जब उसके प्राण निकल गए, तो वह धन प्राप्त करने वाला वरदान भी नष्ट हो गया। बेवकूफ डाकू उस अद्भुत राजकुमार को मारकर स्वयं भी आपस में लड़ भिड़कर नष्ट हो गए। अंत में वे पापी असंभाव्य नामक नरक में पड़े। राजा अपने मरे हुए पुत्र को देखकर बहुत दुखी हुआ और बड़ी करुणा के साथ विलाप करने लगा। यह समाचार पाकर देवऋषि नारद जी ने वहां दर्शन दिया और कहा, सृंजय, अपनी अपूर्ण कामनाएं लिए तुम भी तो एक दिन मरोगे, फिर दूसरे के लिए इतना शोक क्यों? औरों की तो बात ही क्या है, अविक्षित के पुत्र राजा मरुद भी जीवित नहीं रह सके। बृहस्पति से लाग डांट होने के कारण संवर्त ने राजा मरुद से यज्ञ कराया था। भगवान शंकर ने राजऋषि मरुद को सुवर्ण का एक गिरी शिखर प्रदान किया था। इनकी यज्ञशाला में इंद्र आदि देवता, बृहस्पति तथा समस्त प्रजापति गण विराजमान थे। यज्ञ का सारा सामान सोने का बना हुआ था। इनके यज्ञ में ब्राह्मणों को दूध, दही, घी, मधु, रुचिकर भक्ष्य भोज्य तथा इच्छा अनुसार वस्त्र और आभूषण भी दिए जाते थे। मरुद के घर में मरुद देवता रसोई परोसने का काम करते थे और विश्वेदेव सभासद थे। उन्होंने देवता, ऋषि और पितरों को हविष्य, श्राद्ध तथा स्वाध्याय के द्वारा तृप्त किया था। शैया, आसन, जलपात्र तथा सुवर्ण राशि, यह अपार धन उन्होंने ब्राह्मणों को स्वेच्छा से दान कर दिया था। इंद्र भी उनका भला चाहते थे। उनके राज्य में प्रजा को रोग व्याधि नहीं सताती थी। वे बड़े श्रद्धालु थे और शुभ कर्मों से जीते हुए अक्षय पुण्य लोकों को प्राप्त हुए थे। राजा मरुत ने तरुणावस्था में रहकर प्रजा, मंत्री, धर्मपत्नी, पुत्र और भाइयों के साथ 1000 वर्ष तक राज्य शासन किया था। सृंजय, ऐसे प्रतापी राजा भी जो तुमसे और तुम्हारे पुत्र से बहुत बढ़ चढ़कर थे, यदि मृत्यु से नहीं बच सके तो तुम्हें भी अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए।